तो आप सब, आज जो हमारे पास ये मोटर आई है, इसकी काफ़ी बुरी हालत है। इसकी हेड भी देखो कटा हुआ है। अब ये कटा किसी पत्थर के थ्रू है, किसी के भी थ्रू कट सकता है। इसलिए कहते हैं अपनी मोटर को हर 6 महीने में आपको बार बार रिपेयर करा लेना चाहिए। इसकी जो शाफ्ट थी वो देखो मिड में से, जो मिड साइड है वहाँ से बिल्कुल कट चुकी है रस्ट लग लग के। तो इस पर हमने फ़िलहाल फाइलिंग की है और इस पर सारा रस्ट हटाया। अब देखते हैं इस पर माल रखवाएं या फिर एज इट इज़ इसको लगा के पैकिंग बना के इसकी शीट बना के इसकी इसको हम सेट करेंगे। इसमें फ्रंट वाला बैरिंग भी डलेगा क्योंकि इसमें रस्ट लग चुका है। क्योंकि सील क्या होता है, हम मोटर अपनी सूखी चलाते हैं, उसे सूखी चलाने से क्या होता है, सील कट जाती है और सील कटने से आपका पानी साफट से होता होता बैरिंग तक जाता है और बैरिंग को ख़राब कर देता है, रस्ट लगा देता है। और इससे आपके मोटर फूकने के भी चांस होते हैं कई बार, क्योंकि वो जो अगर वो बैरिंग तक पहुंच गया तो पानी आपका रूटर तक और फील्ड तक भी पहुंच सकता है, वाइंडिंग को शॉर्ट कर सकता है। तो इसलिए हमको 6 महीने अपनी मोटर रिपेयर करा लेनी चाहिए, मैं ये कहता हूँ। साथ ही साथ इसमें हम आपका इम्पेलर भी डालेंगे। इम्पेलर भी इसका बिल्कुल ख़राब हो चुका है। इसमें 60-65 mm का इम्पेलर डलेगा, हैवी वाला। फिलहाल इसमें हल्का डला हुआ है।